एवरीवन गुड मॉर्निंग, मैं हूँ शीला। वेलकम बैक माय चैनल कुकिंग विद शीला ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी नवरात्रि सबको। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं माँ दुर्गा, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। तो अभी मॉर्निंग का समय हो चुका। मैं उठ तो 4 बजे गई थी पर कुछ काम और थे तो मैंने कर लिया है। अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा, उसके बाद नहा के पूजा कलश स्थापना करनी, वो भी मुहूर्त में करनी है मुझे, क्योंकि मुहूर्त बहुत मात्र 1 घंटे का है इस साल। तो फटाफट से काम कर लेते, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ, अभी जा रही हूँ पूजा करने। और मैंने आज साड़ी डाली हुई है क्योंकि अक्सर कोई ऐसी पूजा होती है तो मैं साड़ी ही डालती हूँ। तो चलिए बताते हैं। इस बार कलश स्थापना का जो मुहूर्त था वो 6:30 से 7:30 का था, मात्र 1 घंटे का था। तो मैंने फटाफट जल्दी उठ के सारे काम फिनिश करके तैयारियाँ पहले से कर ली थी। तो गंगा जल सबसे पहले नहा के तैयार होकर घर में छोड़ेंगे, क्योंकि घर को किसी पूजा से पहले शुद्धिकरण करना जरूरी होता। उसके बाद हम आ गए पूजा स्थल पर। तो सारी तैयारियाँ मैंने करके 1 दिन पहले ही रख लिया था। मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है। तो मैंने काम तो किया पर वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो नहीं शेयर। और उसके बाद मैंने माता रानी को स्नान करवा के, गणेश जी को स्नान करवा के पूजा स्टार्ट कर दिया है। पर मैंने कलश स्थापना भी कर दिया है। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए मैंने नीचे अष्टदल कमल बना लिया था चावल से, उस पर जौ बो दिया, मतलब बालू के साथ उस पर कलश पे हमने स्वास्तिक बना के कलश में गंगा जल डाल के उसके अंदर सुपारी हल्दी और पैसे डाल के अक्षत डाल के जल भर देंगे। उसके ऊपर हमने आम के पत्ते रख दिए हैं, नारियल रख दिया। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं तो अशोक पत्ते भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने कलश स्थापना की पूजा कर दी है। और हाँ, नारियल पे आप लाल कपड़ा लपेट के ही रखे। मेरा क्या हुआ, मैंने लिया तो था पर पता नहीं दुकान में छूट गया कैसे हुआ। जब मैं पूजा करने बैठी तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने रोली लगा दिया है कलश पे। ऐसे नहीं रखा जाता है, मतलब नारियल। यहाँ पे मैंने 9 ग्रह बना रखे थे, तो उनमें सब में मैंने पैसे और बतासे से पूजा कर दिया है। जो बाकी जैसे पूजा होती है सुहाग का सामान मैंने चूड़ी बिंदी सिंदूर रंग और जो भी होता है चढ़ा दिया है। और यहाँ पे इत्र माँ को ज़रूर अर्पित करें क्योंकि माँ को सुगंध बहुत पसंद है। तो और हाँ, मंदिर की पूजा स्टार्ट करने से पहले आप डेहरी पूजन जरूर करें। वहाँ पर माँ के पैर बना के वहाँ पे को आप पूजा करके एक दीपक जलाना होता है, तो उसके बाद आपकी मंदिर की पूजा स्टार्ट होती है। और यहाँ पर मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर हम कर रहे हैं हवन। सारी पूजा संपन्न करने के बाद एक बहुत अच्छा लगता है, एक घर में पॉजिटिविटी सी लगती है कि एक सुकून भी मिलता है कि हमने वहाँ पूजा आज की कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हवन ऑन करने के बाद हमने किया आरती। हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, अभी हमको हॉस्पिटल भी जाना है और अब बनाएंगे लंच भी बनाना है। तो अब बाकी के काम करते हैं और सभी को हैप्पी महा नवरात्रि सभी लोगों को मेरी तरफ से। तो आप लोग कैसे हो? और पूजा करके इतना सुकून मिलता है ना, जैसे माता दी अब 9 दिन रहेंगी, इतनी जगमगाहट इतनी अच्छा लगता है कि सुबह उठ के पूजा करना है, शाम को पूजा करना है, मतलब घर में ये जैसे लगता है कि बहुत
चहल पहल रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो पूजा माता रानी के 9 दिन बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं बताना। तो चलिए बनाते हैं लंच, और पहले पियेंगे चाय हम, क्योंकि फास्ट है तो चाय पीना है पहले, उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनाते हैं। आइए आप लोग भी पीजिए। उसे चाय मैं छोड़ रखी हूँ, पर आज फास्ट रहे तो पी रही हूँ, और बहुत कम चाय मैंने पीना करा है, क्योंकि मैं किसी दिन आप चाय डिस्कस करूँगी, बहुत प्रॉब्लम मुझे हो गई है बहुत सारी, और कैमरा बहुत गंदा है इसीलिए देखो फोटो क्लियर नहीं आ रही, कितना गंदा गंदा। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट मुझे बना के लंच रखना है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो खाना चाहिए टाइम टू टाइम, अगर हम भूखे रह लेंगे लेट हो गया तो, पर बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते ना, तो मुझे जाना है हॉस्पिटल दवा करवाने के लिए, तो इसलिए मैं बच्चों को लंच बना के रख रही हूँ। पहले से मैंने छील के रखे थे, देखो अभी इन्हीं को बनाएंगे हम, और नौरात में लहसुन प्याज का यूज नहीं होगा, हल्दी टमाटर और जीरा इसी से बनेगा सब। तो नौरात भर मैं लहसुन और प्याज का यूज नहीं करती हूँ, पहले करती थी पर अभी कुछ दिनों से मैंने करना छोड़ दिया, जैसे कि मतलब नवरात में स्वास्थ्य खाना खाना चाहिए, क्योंकि माँ की हम कलश रखते हैं पूजा करते हैं, तो घर में शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी आपके पास, क्योंकि रेसिपी रिकॉर्ड करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं फटाफट खाना बना के निकलूँगी, रिकॉर्डिंग में टाइम लग जाता है। तो सब्जी बना के मैंने सब्जी चावल रोटी ही बनाई हूँ, तो अभी देखिए सब्जी चावल मेरा बन गया, यहाँ पर मैं रोटियाँ बना के रख रही हूँ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो, और जो मेरे भाई बहन हैं पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और बगल में जो बेल आइकन ना उसको भी प्रेस कर देना, तो मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी, ताकि आप मेरा वीडियो वॉच कर सको, और जो भी कमियाँ खामियाँ हैं मेरे वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हो, ताकि मैं उन गलतियों और कमियों को सुधार सकूँ, और आपको अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।